अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल वाले आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें और ऑप्शंस में जाके नोटिफिकेशन में ऑल में क्लिक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजल वर्क्स। आज हमारे पास आई है पिकअप 407। इसमें दिक्कत क्या हो रही है ये मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये देख लो, ये जो गाड़ी है ये एक्सीडेंटल गाड़ी है। तो इसमें जो है दिक्कत ये हो रही थी कि इसमें पिकअप ड्रॉप की शिकायत आ रही थी और साथ ही साथ वाइट स्मोक की भी प्रॉब्लम थी। तो इसका जो ये टर्बो आप देख पा रहे हो ये जो है ख़राब हो गया है, ये डैमेज हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टूट गया है जिसकी वजह से पिकअप ड्रॉप और वाइट स्मोक की दिक्कत आ रही थी। ये आप देखो, ये यहाँ पर से टूट गया, तो इसको तो हमने बदल दिया तो पिकअप तो है वो होने लगा और साथ ही साथ वाइट स्मोक भी बंद हो गया। लेकिन ये जो चेक इंजन की लाइट है ये अभी भी कंटिन्यूस आ रही है। तो चलिए हम स्कैनर को लगाते हैं और देखते हैं इसमें फॉल्ट कोड क्या आ रहा है और उसके बाद आपको चेक कराते हैं। तो ये हम लोग जाएंगे नीचे लो कमर्शियल व्हीकल में, फिर BS4 में, फिर आएंगे हम लोग पिकअप 407 BS4 में और फिर देखते हैं इसमें ट्रबल कोड क्या आ रहा है। ये इसको हमने एंटर प्रेस किया, उसके बाद जाएंगे हम लोग ट्रबल कोड में। ये आप देखो इसमें काफ़ी सारे ट्रबल कोड आ रहे हैं, जैसे कि पहला आ रहा है एयर टेम्परेचर सिग्नल हाई, दूसरा AMF फॉल्ट का आ रहा है, बूस्ट प्रेशर सेंसर का भी आ रहा है इसमें, रेल प्रेशर लो ड्यूरिंग क्रैंकिंग EGR, ये सब का इसमें आ रहा है, यानी कि AMF का आ रहा है, व्हीकल स्पीड सेंसर का भी एक आ रहा है। तो एक बार क्लियर करके देख लेते हैं और दोबारा इसको चेक करते हैं हम लोग, एक बार और चेक करते हैं। तो अब इसमें सिर्फ 3 फॉल्ट कोड आ रहे हैं, AMF फॉल्ट, इसके अंदर अगर आप जाते हो तो इसके अंदर आपको दिख रहा है ये सब, ये उसका कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं वो चेक करने बता रहा है। तीसरा आप देख पा रहे हो EGR एरर का आ रहा है, यानी कि अगर AMF में अगर कुछ फॉल्ट रहेगा तो फिर हमारा जो EGR है वो भी सही से काम नहीं करेगा। तो AMF में कुछ फॉल्ट है या फिर नहीं है ये हमको लाइव डाटा में पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं एक बार लाइव डाटा में और चेक कर लेते हैं। ये ऊपर आप देख पा रहे हो, ऊपर हमारा बूस्ट प्रेशर का कोड आ रहा था वो तो चला गया, तो बूस्ट प्रेशर सही हमारा काम कर रहा है। उसके बाद पेडल पोजीशन वगैरह ये सब भी सही काम कर रहा है हमारा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद ये आप एयर टेम्परेचर को देखो, ये 50 डिग्री में है और साथ ही आप एयर मीटर को देखो वो भी 400 में, उसमें कोई भी हरकत नहीं हो रही है। और नीचे आप अगर EGR फीडबैक पे आते हो तो वो भी 0% शो कर रहा है, यानी कि हमारा जो AMF है एयर मास फ्लो सेंसर वो काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से EGR का भी फॉल्ट आ रहा है। अब आते हैं हम लोग इंजन फ्रेम में, इसमें आप जैसा कि देख पा रहे हो इसमें आप बूस्ट प्रेशर, रेल प्रेशर ये सब देख सकते हो। तीसरे में आते हैं सिस्टम फ्रेम में, इसमें आप क्लच स्विच, AC कंट्रोल आउटपुट ये सब के बारे में देख सकते हो। अब दोबारा से एक बार हम लोग आते हैं ट्रबल कोड में और देखते हैं क्या आ रहा है। ये आप देखो एयर टेम्परेचर सिग्नल हाई का कोड आ रहा है। उसके बाद जब हमने इसके AMF को चेक किया तो AMF को आप देख सकते हो ये हमें किस साल में मिला, ये जो है टूट के शायद ये निकल गया है, ये आप देख सकते हो। तो अब इसको हम लोग पूरी तरीके से निकाल के चेक करेंगे कि इसमें फॉल्ट क्या हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें इसे निकालना होगा, उसके बाद ही निकलेगा। तो ये हमारा निकल गया, AMF को आप देख सकते हो ये जो है निकल गया। अब इसको हम लोग देखते हैं इसमें फॉल्ट क्या हुआ। ये आप देखो ये जो है यहाँ पे ऐसा लगता है ये इसमें से निकल गया, ये इसमें से निकल गया है इसलिए स्कैनर में AMF का फॉल्ट दिख रहा है। अगर आप इसमें देखो गौर से तो ये आप देख पा रहे हो कि ये भी जो है टूट गया है, जिस वजह से AMF का जो ये सेंसर है ये निकल गया इसमें से। ये आप देखो ये यहाँ से भी टूट गया है, ये यहाँ से आप देख पा रहे हो यहाँ से ये टूट गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि गाड़ी एक्सीडेंटल गाड़ी है, शायद इस वजह से ये टूट गया। अगर आप इधर से भी देखो तो ये यहाँ से भी टूट गया है, ये तो हमारा टूट गया। अब देख लेते हैं कि सेंसर में कुछ डैमेज हुआ या फिर नहीं हुआ। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये जो दो पिंस है इसके ये आपस में चिपक गए, तो इसको हम लोग अलग कर देते हैं। ये आप देख पा रहे हो ये अब अलग हो गया, तो अब मेरे ख्याल से ये काम करना चाहिए।
अब इसको हम लोग लगाएंगे इसमें। उससे पहले जो ये टूट गया है इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं कि अगर ये सही हो पाए। वैसे तो ये पूरा सेंसर जो है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, बट फिर भी एक बार हम लोग फेविक्विक लगा के इसको चिपका के ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सेंसर है ये हमारे पास अभी नहीं है। तो इस टूटे हुए को एक बार हम लोग लगा के देखेंगे और फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि यह काम करता है या फिर नहीं करता है। तो इसको फेविक्विक से पहले हम लोग अच्छी तरीके से चिपका देंगे। ये इसको ऐसे चिपकाने के बाद इधर से भी थोड़ा बहुत हम लोग लगा देंगे। अब ये सूख गया है तो इसके ऊपर से हम लोग टेप लगा देंगे ताकि ये जो है दोबारा से ना निकल जाए। इसमें टेप लगाने का मेन रीज़न है कि इसमें से जो भी एयर फ्लो करेगा वो ना निकले और सेंसर जो है उसको सेंस कर पाए। इसीलिए इसमें जो भी टेप लगाएंगे उसको अच्छी तरीके से लगाएंगे। टेप हमारा अब लग चुका है, अब इसको हम लोग फिट कर देंगे। उससे पहले इसका जो कपलर है उसको हम लोग लगा लेते हैं। इसका कपलर को लगाने के बाद और इसको पूरी तरीके से फिट करने के बाद फिर हम लोग स्कैनर लगा के चेक करेंगे कि कोड जो है वो क्लियर होता है या फिर नहीं होता है, और फिर चेक करेंगे कि इसका जो AMF है वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, क्योंकि कोड तो इसी के आ रहे थे और जो भी बाकी कोड था वो तो चला गया और बाकी चेक इंजन लाइट जो है वो भी इसी की वजह से आ रहा था, यानी कि AMF में फॉल्ट था इसी वजह से आ रहा था कोड। सबसे पहले तो ये जो हमारा पाइप है ये नीचे फिट होगा, तो ये हमारा फिट हो रहा है, इसको हम लोग टाइट कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारा लगेगा ऊपर। इसको लगने के बाद इसकी जो फिटिंग है वो कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ स्कैनर लगा के कि ये जो फॉल्ट कोड आ रहे थे AMF का ये क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ, और फिर लाइव डाटा में भी जाके हम लोग चेक करेंगे कि वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो उसको लगाने के बाद पहले जो है दो चेक इंजन की लाइट जल रही थी, अब जो है सिर्फ एक जल रहा है। तो हम लोग अब स्कैनर लगा के चेक करते हैं कि अब क्या फॉल्ट कोड आ रहा है इसमें। ये आ गया हमारा स्कैनर, अब इसको हम लोग लगा के चेक करते हैं। पहले जो है इसमें चार फॉल्ट कोड आ रहे थे टोटल, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये रहे ये चार फॉल्ट कोड। अब हम लोग क्लियर DTC में जाके इसको क्लियर करेंगे और फिर देखेंगे कि फॉल्ट कोड जाता है या फिर नहीं जाता। ये हम लोग नीचे आएंगे और क्लियर DTC में क्लिक करेंगे, ये हमारा क्लियर हो गया। अब फिर ट्रबल कोड में जाके चेक करते हैं, ये हमने एंटर प्रेस किया, ये अब देखिए इसमें अभी भी AMF का फॉल्ट दिखा रहा है, यानी कि मेरे ख्याल से ये काम नहीं कर रहा है। इसको एक बार हम लोग दोबारा से क्लियर करके चेक करते हैं कि ट्रबल कोड जा रहा है या फिर नहीं जा रहा। ये आप देखो ट्रबल कोड नहीं जा रहा। इसके अंदर जाके अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये आप देखो टर्मिनल वायर बैकआउट, कनेक्शन प्रॉपर्ली, बूस्ट प्रेशर माल फंक्शनिंग, यानी कि अगर बूस्ट प्रेशर को भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि अगर उसमें कोई अगर दिक्कत रहेगी तो भी ये कोड आएगा और इससे जो है AMF का फॉल्ट शो होगा। अब हम लोग दूसरे वाले में जाके चेक करते हैं कि इसमें क्या शो कर रहा है। इसमें आप देखो इसमें नीचे आके आप इफेक्ट में देखते हो तो डिसेबल EGR और टर्न्स ऑन मालफंक्शन लाइट, यानी कि ये EGR को डिसेबल कर देगा और मालफंक्शन की लाइट ब्लिंक करने लगेगी, यानी कि वो ऑन हो जाएगी। तो इसको एक बार हम लोग स्टार्ट करके देख लेते हैं कि चेक लाइट जो है वो जा रही है या फिर नहीं जा रही है। पहले तो दो जल रही थी, अब इसमें एक जल रहा है। ये अब देखो स्टार्ट करने के बाद एक बार क्लियर करते हैं और दोबारा से ट्रबल कोड को चेक करते हैं। इसमें अभी भी तीन फॉल्ट कोड आ रहा है, रेस वगैरह तो प्रॉपर्ली हो रही है और चेक लाइट जो है वो सिर्फ एक ही जल रहा है, दो नहीं जल रहा है। अब लाइव डाटा में जाके चेक करते हैं, पहले तो एयर मीटर और टेम्परेचर जो है वो शो नहीं कर रहा था, यानी कि 50 डिग्री शो कर रहा था और उसमें कोई
हरकत नहीं हो रही थी। अब जाके चेक करते वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। या आप नीचे आके देखो तो इसमें टेम्परेचर जो है वो अब 20 डिग्री शो कर रहा है और एयर मीटर जो है वो भी अब काम कर रहा है। अब जो है AMF जो है वो हमारा काम कर रहा है, यानी कि पहले जो टेम्परेचर जो है 50 डिग्री शो कर रहा था वो अब 20 डिग्री हो गया है और इधर एयर मीटर भी अब काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ आप देखो, इसमें जो EGR है वो अभी भी 0% शो कर रहा है, यानी कि EGR जो है वो हमारा काम नहीं कर रहा है। यानी कि AMF जो है वो प्रॉपर तो काम नहीं कर रहा है, इसलिए EGR जो है वो डिसेबल हो गया। बट फिर भी उसको चिपकाने से, फेविक्विक से और टेप करने से इतना तो काम कर रहा है। दो में से एक चेक इंजन की लाइट जो वो जल रही। जैसे कि मैंने आपको फॉल्ट कोड में शो किया कि इसमें बूस्ट प्रेशर में अगर मालफंक्शन रहेगा, यानी कि इसमें अगर कुछ दिक्कत रहेगी तो भी AMF का फॉल्ट जो है वो शो करेगा। तो चलिए एक बार बूस्ट प्रेशर सेंसर को भी हम लोग खोल के चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई दिक्कत है या फिर नहीं है। ये हमने इसको खोल लिया। अब इसको हम लोग एक बार इसको साफ करके लगाएंगे और फिर चेक करेंगे। ये हमने इसको साफ कर दिया। अब इसको हम लोग दोबारा से लगाते हैं और फिर आपको चेक कराते हैं। ये इसको हम लोग जल्दी से लगा लेते हैं। अब जो है इसका जो कपलर है उसको हम लोग लगा देते हैं। उसके बाद चलिए एक बार स्कैनर से लगा के ट्रबल कोड आ रहा है या फिर नहीं आ रहा उसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसको हम लोग इंटर प्रेस करेंगे और फिर से जाएंगे ट्रबल कोड में और फिर देखते हैं ट्रबल कोड आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। हम लोग जाएंगे ट्रबल कोड में। ये आप देख पा रहे हैं इसमें अभी भी ट्रबल कोड आ रहा है, तो एक बार इसको क्लियर DTC करके भी चेक कर लेते हैं। ये हमने किया क्लियर DTC और फिर जाएंगे ट्रबल कोड में। ये आप देखिए इसका जो फॉल्ट कोड है वो क्लियर नहीं हो रहा, तो एक बार इसको हम लोग स्टार्ट करके देख लेते हैं कि इसकी जो चेक लाइट है वो जा रही है या फिर नहीं जा रही। ये हमने इसको स्टार्ट किया और अब आप देख पा रहे हो इसमें जो है चेक लाइट जो है वो अब नहीं आ रही। पहले दो आ रही थी, उसके बाद फिर एक आ रहा था। उसके बाद जब हमने बूस्ट प्रेशर सेंसर को साफ करके लगाया तो फिर इसकी जो चेक लाइट है वो चली गई। बट इसका जो ट्रबल कोड है वो मेरे ख्याल से नहीं जा रहा, यानी कि इसमें अभी भी AMF का फॉल्ट है, क्योंकि जो इसका AMF सेंसर है वो टूट गया है, इसी वजह से ये फॉल्ट जो है शो कर रहा है। ये जो सेंसर है इसको चेंज करना पड़ेगा, बट अभी फ़िलहाल ये काम चल जाएगा क्योंकि चेक लाइट जो है वो नहीं आ रही। और इसको हम लोग लाइव डाटा में भी जाके चेक कर पा रहे हैं कि ये जो काम जो है ये थोड़ा बहुत काम जो है वो कर रहा है। ये जैसे कि आप देख पा रहे हो टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेट शो कर रहा है और ये जो एयर मीटर है ये भी रेस करने पर काम कर रहा है, जो कि पहले 400 पे लटका हुआ था। बट इसका जो EGR है वो अब अभी भी काम नहीं कर रहा, वो 0% ही शो कर रहा। इसका जो बूस्ट प्रेशर है वो भी आप देख पा रहे हो वो पहले भी सही बन रहा था, अभी भी सही बन रहा है। 1.14 बार ये बन रहा है। बाकी इसका जो कूलेंट टेम्परेचर, एक्सलेटर पेडल वगैरह ये सब सही काम कर रहा है, बट इसका जो EGR है वो काम नहीं कर रहा है। और इधर में अगर हम लोग आते हैं तो इसका जो रेल प्रेशर वगैरह है ये सब ये सही बन रहा है इसका, यानी कि गाड़ी में जो स्टार्टिंग वगैरह की दिक्कत नहीं थी, सिर्फ चेक इंजन की लाइट आ रही थी टर्बो चेंज करने के बाद, तो वो जो है वो भी अब चली गई है। बट इसका जो ट्रबल कोड है वो क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो AMF है वो तो टूटा हुआ है, जिस वजह से ये फॉल्ट कोड आ रहा है। और जैसे कि मैं आपको दोबारा एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि इसका जो चेक लाइट है वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ये हम लोग इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। अब देख पा रहे हो ये स्टार्ट किया हमने और इसकी जो चेक लाइट है वो अब नहीं आ रही, गाड़ी बिल्कुल जो है वो ओके हो गया। इसको रेस वगैरह भी ये प्रॉपर हो रही।
ये आप देख पा रहे हो चेक लाइट नहीं आ रही। इसको हमने ट्रायल वगैरह भी किया फिर भी इसकी जो चेक लाइट है वो नहीं आ रही है, बट इसका AMF का फॉल्ट कोड जो है वो आ रहा है, तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा।